दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग मिस करेंगे तो शायद आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ एक नया नियम लागू हो चुका है जहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शायद आपको जानकारी भी होगी दोस्तों, यहाँ इस वीडियो के जरिए मैं बताने वाला छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। अगर आपका पैन कार्ड है और आपके पास और आधार कार्ड भी है, लेकिन आपका पैन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखना कंप्लीट। तो कैसे लिंक किया जाता है आज इस वीडियो के जरिए मैं कंप्लीट बताने वाला हूं, तो चुटकियों में हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पैन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लिंक नहीं है तो दोस्तों लिंक जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अभी सरकार का कहना है कि शायद आपको 10,000 रुपये का जुर्माना तक भी दे सकता है अगर आप अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को लिंक नहीं किया, क्योंकि अभी फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि ये बहुत नया नियम लागू हो चुका है सरकार की तरफ से, लेकिन हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, बाद में कुछ भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए अगर आप अभी तक लिंक नहीं किया अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ, जल्दी जल्दी लिंक कीजिए, इसलिए ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों ओके दोस्तों, मैं हूं सरंजन और आप देख रहे हैं टेक्नो नोटिस, ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका अपना पैन कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड को लिंक करने के लिए सिंपली आप अपना मोबाइल को इसी तरह ओपन करना है, तो आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो सिंपली आपको इसको डेस्कटॉप मोड साइड पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है ई फिलिंग, ठीक है, ई फिलिंग टाइप करना है, उसका सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है दोस्तों। उसका मेरे दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर पे ऑप्शन दे रहा है लिंक आधार का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें क्लिक करना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 नंबर देना है आधार नंबर, उसके बाद आप अपना नाम देना है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा को डाल के लिंक आधार कार्ड को इसमें फिलअप कर दे, चलिए मैं इसमें फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं डिटेल फिलअप कर लिया, 5 नंबर इसमें दे दिया, आधार कार्ड का नंबर दे दिया, उसमें अपना नाम दे दिया, उसके बाद यहाँ पे आई हैव ओनली ईयर और बर्थ अगर है तो इसी प्रकार यहाँ पे टिक करना है, नहीं तो नहीं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ पे सब कुछ डिटेल सही है तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिंपली आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, उसका कैप्चा डाल के यहाँ पे लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो योर पान इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर, यानी आप अपना पान कार्ड का नंबर ऑलरेडी इसमें लिंक है, इसका मतलब कोई घबराने और चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें सही से या लिंक ऑलरेडी किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसमें लिंक नहीं होता तो इसमें वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट चला जाता, ठीक है, आपके पास और एक रेफरेंस नंबर दे दिया जाता, तो उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने ट्रैक कर सकते थे। ट्रैक करने के लिए आपको सिंपली देखिएगा इसमें शो कर रहा है मेरा ऑलरेडी इसमें, देखिएगा योर पान इज ऑलरेडी लिंक टू द गिवन आधार नंबर, यानी आप अपना पान कार्ड का नंबर है ऑलरेडी इसमें लिंक है, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, ठीक है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आपको भी ये जल्दी जल्दी करना है, अगर आपको उस एड्रेस को चेक करना है, एड्रेस को सिंपली यहां पे देखिए आना है, यहां पे ऊपर देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन आ रहा है, यहां पे सिंपली इसमें क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल देना है, आप अपना पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर देना है, उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करके आप आधार स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक हुआ कि नहीं। अगर लिंक हो जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपके देखिए इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना है दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड का एड्रेस और आधार कार्ड का साथ सही सही एड्रेस लिंक नहीं है, आप अगर आप अपना एड्रेस सही नहीं है तो अलग अलग एड्रेस है तो इसमें देखिए लिंक नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। ओके दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा मेरा जो ये जो अभी मैंने लिंक किया था ऑलरेडी इसमें लिंक है, इसलिए इस प्रकार ऑलरेडी लिंक शो कर रहा है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो वहाँ पे लिंक जो है अंदर रिव्यू के प्रोसेसिंग में चला जाएगा, आपके पास एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, आपके मोबाइल के ओटीपी जो लिंक आधार कार्ड के साथ लिंक है मोबाइल नंबर पे, एक उसमें दिया जाएगा आपका रेफरेंस नंबर, उस रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं लिंक हुआ कि नहीं, तो इस बात इसमें से साफ हो जाता है। अगर लिंक हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर लिंक नहीं है तो दिक्कत है। हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का एड्रेस अलग अलग है तो इसमें याद रखना आप अपने पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक कभी नहीं होगा, इसलिए दोनों एड्रेस जो है इसमें मिलना चाहिए एक साथ, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और पसंद भी आ गया वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो का, तब तक के लिए बाय।